ये सब हमारे भाई लोग हैं, चाहने वाले हैं। ये मीडिया से पुलिस दूरी बना रही है, अभी चोरी छुपे एफआईआर लिख दिए हैं। पुलिस एक मिनट, पुलिस से जानकारी लेने आए हैं कि आपकी एफआईआर आपने क्यों करी, पुलिस बता नहीं पा रही है। पुलिस ने ये कहा है कि ऊपर से आदेश आया था इसलिए एफआईआर की गई है। अभी पुलिस ने कहा है हमने जाँच नहीं करी है। मैंने कल भी पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करी थी तो पुलिस के बड़े अधिकारी बोल रहे थे कि सर हमने एफआईआर कर दी है, जाँच नहीं करी है, बिना जाँच करे क्योंकि ऊपर से आदेश था। ऊपर वाले पर हमने पूछा कि हम लोग टीएस सिंहदेव के लोग हैं, कहीं टीएस सिंहदेव के लोग हैं इसलिए पकड़ पकड़ के ठोक रहे हो, इसलिए तो इसलिए ऊपर से किसी ने आदेश तो नहीं दिया है, क्योंकि शैलेश पांडे भी टीएस सिंहदेव का आदमी है, एक साल पहले उस पर भी एफआईआर कर दी गई थी। आज एक साल बाद पंकज एक गरीबों को चावल राशन देने के नाम पर टीएस सिंहदेव के आदमी पर एफआईआर हो जाती है। गरीब आदमी पर इलाज ना मिल सके उसके लिए अगर टीएस सिंहदेव का आदमी अस्पताल में रात 12 बजे करता है उस पर एफआईआर हो जाती है। ये मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी कुछ है ये सब बातें हमने पुलिस अधिकारियों से पूछी हैं। और सुनिए, और दूसरी बात ये है कि जो पंकज है उसके जो शुरू कर दीजिए पता ही नहीं है हम लोग को, तो समाचार पत्रों से प्राप्त हुआ पता चला, जानकारी मिली कि पंकज सिंह के खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो नैतिकता के आधार पर उसकी गिरफ्तारी देने के लिए यहां पर आए हुए थे। हमारे पास कोई पुलिस नहीं है, तब भी हमको अखबार से समाचार पत्रों से पता चला, तो हमारा धर्म कहता है कि पंकज सिंह जाकर पुलिस थाने में गिरफ्तारी दें, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर आए। बंद कमरे में क्या बातचीत हुई है, बड़ी संख्या में आए हैं, क्या लगता है कि बंद कमरे में क्या बातचीत हुई? बड़ी संख्या में हम नहीं आए हैं, हम तो अपनी गाड़ी से ही आए हैं, बाकी कार्यकर्ता और ये लोग जो आए हैं ये मुझे नहीं जानकारी। ये सब हमारे भाई लोग हैं, चाहने वाले हैं। ये मीडिया से पुलिस दूरी बना रही है, अभी चोरी छुपे एफआईआर लिख दिया है। एक मिनट, पुलिस से जानकारी लेने आए हैं कि आपकी एफआईआर आपने क्यों करी, पुलिस बता नहीं पा रही है। पुलिस ने ये कहा है कि ऊपर से आदेश आया था इसलिए एफआईआर की गई है। अभी पुलिस ने कहा है हमने जांच नहीं करी है। मैंने कल भी पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करी थी तो पुलिस के बड़े अधिकारी बोल रहे थे कि सर हमने एफआईआर कर दी है, जांच नहीं करी है, बिना जांच करे एफआईआर, क्योंकि ऊपर से आदेश था। ऊपर वाले पर आदेश किसका? पूछा कि हम लोग टीएस सिंहदेव के लोग हैं, कहीं टीएस सिंहदेव के लोग हैं इसलिए पकड़ पकड़ के ठोक रहे हो, इसलिए तो इसलिए ऊपर से किसी ने आदेश तो नहीं दिया है, क्योंकि शैलेश पांडे भी टीएस सिंहदेव का आदमी है, एक साल पहले उस पर भी एफआईआर कर दी गई थी। आज एक साल बाद पंकज एक गरीबों को चावल राशन देने के नाम पर टीएस सिंहदेव के आदमी पर एफआईआर हो जाती है। गरीब आदमी पर इलाज ना मिल सके उसके लिए अगर टीएस सिंहदेव का आदमी अस्पताल में रहा, विधायक जी ऊपर वाला आदमी कौन है, उस पर एफआईआर हो जाती है। ये मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी कुछ है ये सब बातें हमने पुलिस अधिकारियों से, क्या गिरफ्तारी हो गई है? सुनिए, और दूसरी बात ये है कि जो पंकज है उसके जो जिसके लिए मदद की थी वो चुप्पू अवस्था में बैठे हुए इनके भाई। अरे 2 बजे रात को किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है और अगर प्रसव में दिक्कत आ रही है और MRI रात को 2 बजे करना पड़ता है तो रात को 2 बजे MRI करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्या गिरफ्तारी हुई? नहीं, हम तो गिरफ्तारी देने आए हैं ना। क्या बोले पुलिस? बाकी पुलिस जाने, आप चुट्टू अवस्थी पूछिए, गरीब आदमी है, गरीब आदमी का भाई मृत्यु।